बिफोर इलेक्शन जो थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई थी, आफ्टर इलेक्शन क्या ये संभव है कि नेशनल पार्टियों को छोड़कर जो क्षेत्रीय छत्रप है, रीजनल पार्टीज है, वो अपना एक अलग फिर से कोलिशन बनाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? वो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने के प्रयास में मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज का ही बहुत बड़ा योगदान होगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 400 पार, इधर अदर साइड जो है टू फेज में वोटिंग परसेंट काफी कम रहा है, क्या प्रेडिक्शन आपका है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री के मन में जो है, कहते हैं 400 पार, ये पार वो पार करके वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी 10 साल से देश जान गया नरेंद्र मोदी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए डेफिनेटली उनको सीट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना आपको एनडीए अलायंस को और इंडिया अलायंस को दिख रहा है? इंडिया अलायंस कोई चीज है नहीं बहुत बड़ा, एक्चुअली इंडिया अलायंस जो है वो भी बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, बहुत पार्टी चले गए उससे। लेकिन जो कुछ भी है 200 के आसपास उनको सीट मिल सकते हैं इंडिया अलायंस को या एनडीए को? एनडीए एनडीए ओनली 200? यस। एंड सर, सेंट्रल एजेंसी जो है काफी फेस किया आपने, सेंट्रल एजेंसी को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव भी चल रहा है और सेंट्रल एजेंसी का विपक्ष जो है वो एक स्वर में आलोचना करती रही है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से एजेंसी? ईडी, सीबीआई, आईटी। ईडी, सीबीआई, आईटी तो मोदी के पॉकेट के हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के जो शाखाएं रहते हैं ना दूसरे, जैसा कि महिला विभाग, एससी विभाग, ये भी बीजेपी पार्टी के सेल्स बन गए। उसको उसके नाम बदल के बीजेपी सेल्स बोल के रख लेना चाहिए। सारा देश जान गया इसका कितना दुरुपयोग हुआ, कितना वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना नाजायज एंटी डेमोक्रेसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, कितना जबरदस्ती आज इन लोगों की तरफ से देश से निवेश निकलते जा रहा है। उद्योगपति भी परेशान है, पूंजीपति भी परेशान है, और सारे लोग देश से निकल रहे, देश से भाग रहे। एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, इट वॉज ब्रेन ड्रेन, नाउ इट इज कैपिटल ड्रेन फ्रॉम इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एजेंसीज।